अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केजेड कुकिंग चैनल। आज मैं आपके साथ अचार गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसका टेस्ट थोड़ा सा हटके होता है क्योंकि इसमें हम अचार वाले मसाले डालते हैं। अचार गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम गोश्त, 250 ग्राम टमाटर, इन्हें स्लाइस कर लिया है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इन्हें भी स्लाइस कर लिया है, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1/2 टेबल स्पून सौंफ, 1/4 टेबल स्पून मेथी दाना, 1/4 टेबल स्पून कलौंजी। कलौंजी को छोड़कर इन सारे मसालों का दरदरा सा पाउडर बनाना है। 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबल स्पून दही, 4 हरी मिर्च। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर में 1/2 कप तेल डालकर तेल को गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें प्याज डालकर थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, अब इसमें गोश्त और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर गोश्त को अच्छी तरह भून लेंगे। गोश्त को जब तक भूनेंगे जब तक गोश्त का पानी ड्राई नहीं हो जाता। अब इसमें नमक, लाल मिर्च और दही डालकर भूनेंगे। दही और मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं, अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को तब तक भूनेंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। इसमें मैंने 1/2 कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी डाला है। मैंने अभी इसमें अचार वाले मसाले नहीं डाले हैं क्योंकि अचार वाले मसाले गोश्त को गलाने के बाद डालेंगे। ग्रेवी में उबाल आ गया है और कुकर की लीड लगा दी है मैंने। जैसे ही एक विसल आ जाएगी तो फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट गोश्त को गलाएंगे। 12 मिनट के बाद गैस बंद कर देंगे। कुकर ठंडा हो जाए तो इसे खोलेंगे। अब गैस ऑन करके इसे चला देंगे। जो अचार वाले मसालों का दरदरा सा पाउडर बना लिया था इन्हें भी ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इन मसालों को और ये कलौंजी डालकर थोड़ा सा पानी डालकर 10 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। यहाँ मैंने कुकर का ढक्कन नहीं लगाया है, कुकर को ऊपर से ढक दिया है क्योंकि हमने गोश्त को पहले ही गला लिया था। तो गोश्त को दम पर रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हरी मिर्च ऐड कर देंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। तैयार है ये अचार गोश्त। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।